ओम ब्रह्मा मुरारे स्रपुरांध्रकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की गुड लक में। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, हर रोज की तरह आपके साथ। जी हां, आज बेहद खास स्थिति है। आज का चांद बहुत कुछ लेके आया है। आज का चांद देख लेने से बहुत आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनने वाला है और ऐसे में आशीर्वाद भी मिल सकता है उस उपाय को करके। आज हम बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से, जिन पर आपको जानकारी प्राप्त करने के उपरांत आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आ सकता है। उनके साथ ही उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम में पंचांग। आज बुधवार का दिन है और खासतौर पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। धार्मिक शास्त्रों में के हिसाब से चंद्र दर्शन आज का अद्भुत रूप से लाभ देता है। भाग्यशाली बनाने में, समृद्ध बनाने में चंद्र दर्शन का अद्भुत महत्व है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि जो आरंभ हो रही है उसमें बड़ा विचित्र घटना घट गई है। दो तिथियां इस पक्ष में घट गई हैं। शास्त्र कहता है एक पक्ष में यदि दो तिथि यदा कदा घट जाए, भूखे मांगे अन्न जल और भडली नष्ट हो जाए। जो वैभवशाली है, भडली खासतौर पर वैभवशाली, वो भी नष्ट हो जाते हैं। शनि की दृष्टि वैसे तो इस वर्ष किसी प्रकार भी पश्चिमी देशों के लिए शुभ नहीं है। आने वाले समय में ऐसा दिखाई देता है कि अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका इत्यादि के देशों में और खासतौर पे जो दक्षिण पूर्व के देश हैं उनके लिए, खासतौर पे पूर्वी देश हैं उनके लिए कष्टकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। इस पक्ष के हिसाब से योग अच्छे नहीं है। महत्वपूर्ण योग आज बन रहा है, शुभ नाम का योग बन रहा है। नक्षत्र के रूप में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज विद्यमान है। चंद्रमा आज कन्या राशि पर विचरण कर रहे हैं। शुभ समय नोट कर लीजिए, 12:03 से लेकर 12:55 तक आज का शुभ मुहूर्त का समय है। राहु काल जो है वो आज 12:24 से लेकर 1:56 तक विद्यमान रहेगा। आज बुधवार का योग है और खासतौर पर भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू समर्पित करने से समस्त मनोकामनाओं पूर्ति के योग बन जाते हैं और भगवान गणेश को तो विघ्न विनाशक कहा जाता है। विघ्नों को विनाश करने वाले, जीवन में कल्याणकारी योग बनाने वाले भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की पूजा आज बुधवार के दिन तो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज विद्यमान है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार से इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से अद्भुत रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। और बहुत समय यदि जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आज के दर्शन, द्वितीया के चांद के दर्शन करने के उपरांत माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेने से व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिवान और खासतौर पर यशस्वी बनने के अद्भुत योग बना देता है। और जबकि भाद्रपद महीने में चतुर्थी का चांद देखने का शास्त्र में निर्देश नहीं है, चतुर्थी का चांद देखने से कलंक लग जाता है। और आज वो योग है, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी ऐसे में दर्शन कर लिए थे, उनको भी कलंक लग गया कि सामंतक मणि उन्होंने चुरा ली है। तो खासतौर पे उससे बचने के लिए, मिथ्या आरोपों से बचने के लिए आज का चंद्र दर्शन आपको बचा सकता है। पहले बात कर लेते हैं खासतौर पर आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं आज राशियों के अनुसार से। उससे पहले भी जान लेते हैं गुप्त मनोकामना के लिए आज कौन सा खास उपाय कर लीजिए, क्योंकि गुप्त मनोकामना के लिए बहुत सारे उपाय करना जरूरी है। आज गाय के दूध से खीर बनाकर 5 मिट्टी के खासतौर पर गिलास या प्याली के में उनको डाल लीजिए और नदी के किनारे किसी सुनसान जगह पर जाकर पितरों का नमन करते हुए कहीं रख दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस छोड़ते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहाँ उनको छोड़ के आ जाइए, आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्राप्त होगा। मेष का मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। आज रोजगार में नए अवसर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं मेष राशि वालों। घर परिवार वालों का आप खासतौर पर संबंध मजबूत करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई नया काम सीखने का आपको प्राप्त हो सकता है। समय भविष्य के लिए फायदा होने के योग बनेंगे, परंतु विवादों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, विवादों से बचने का प्रयास कीजिए। 7 अंक आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है और गरीबों में खासतौर पे 1.25 किलो चावल और उसमें खासतौर पे 2/3 उड़द मिलाकर मिक्स करके बांट दीजिए, कष्ट कम होंगे। वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज भविष्य में सोच विचार कर काम करने का प्रयास कीजिएगा, भविष्य को देखते हुए सोच विचार कर काम करने का प्रयास कीजिएगा, ये बात समझ लीजिए। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कारोबार बढ़ने की उम्मीद पूरी दिखाई देती है। ग्रह पूरी तरह से आपको साथ दे रहे हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। 6 अंक आपके लिए शुभ है और पारदर्शी रंग से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज चीनी अथवा मीठी चीजों का दान कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे।
अन्य राशियों के संबंध में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पे आए मैसेज की। एक मैसेज आया है बनारस से। शिव प्रताप दुबे जी लिखते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक समस्या जो है वो ऐसा ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहता है जिसके कारण से जीवन में कई प्रकार से मुश्किल का समय आ जाता है। उसे निजात प्राप्त करने का कोई उपाय जानना चाहते हैं। चिंता ना करें, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। एक स्टैटिक ग्राफ नहीं रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तख्ता कभी तखत, इस प्रकार के योग बने रहते हैं। चिंता ना करें, आप सब लोग एक उपाय नोट कर लें। हर मास के प्रथम बुधवार के दिन ये उपाय करना है। हर मास के प्रथम बुधवार के दिन जब भी पहला बुधवार पड़े, हरे रंग के कपड़े में 5 मुट्ठी साबुत मूंग को बांधकर एक पोटली बना लें और सूर्यास्त के समय किसी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दिया कीजिए। धीरे धीरे आपके व्यवसाय में जो उतार चढ़ाव आ रहा है आपकी बुद्धि के कारण ही आता है, वो सही मार्ग पकड़ लेगी। ये लगातार उपाय करने का प्रयास कीजिए। एक वर्ष करके देखिए तो सही, देखिए आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जाएगा क्या, थोड़े से आपकी जो दान करना है कर लीजिए। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा दिखाई देता है। नौकरी कर रहे लोगों में थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती दिखाई दे रही है, परंतु सावधान रहिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। आज कोई भारी नुकसान भी हो सकता है, इस बात से आपको सावधान रहना चाहिए। तनावग्रस्त आप उसके कारण से हो जाएंगे, जल्दबाजी को त्यागने का प्रयास करें। जीवन साथी घर वालों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप काम अच्छे से कर पाएंगे। जो शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। इष्ट देव का विशेष तौर पर जो भी आपके इष्ट देव है उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। मां अंबे करेंगी कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना पूरी तरह से दिखाई देती है, पर किसी कार्यक्रम आयोजन में जाने का विचार बनता दिखाई दे रहा है। यात्रा के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक परेशानी है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान में डाल सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखते हुए काम करें, 8 अंक का उपयोग करें, वो आपके लिए शुभ है। शुभ रंग आपके लिए काला है। काले वस्त्रों का दान भी कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। भाद्रपद द्वितीया है आज। आज का चंद्र दर्शन विशेष तौर पर बड़ा वैज्ञानिक ज्योतिषीय महत्व रखता है। भाद्रपद द्वितीया की तिथि जो है वो खास तौर पर इस दिन चंद्र दर्शन करने का विशेष योग बनता है। वैसे तो हर द्वितीया पूरे वर्ष में जितनी द्वितीया आती है शुक्ल पक्ष की, उन सब में विशेष तौर पर चंद्र दर्शन करने का योग बनता है, परंतु आज का चंद्र दर्शन जो है, द्वितीया का चांद दर्शन जो करने से कई प्रकार के कलंकों से मिटने का योग दिखा देता है। योग कई प्रकार के माथे पे लग जाए और खासतौर पर बेइज्जती बदनामी का योग बन जाता है, उसको भी खत्म करने का अद्भुत सामर्थ्य रखता है। तो हम कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं आपको कि चंद्र दर्शन से कैसे लाभ हो सकता है। देखिए, चंद्रमा का संबंध आपके मन से है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जाग्रत चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा खासतौर पर मन से संबंध रखता है और चंद्रमा देखने से मन को भी लाभ प्राप्त होता है। अमावस्या के 2 दिन बाद आमतौर पर चंद्र दर्शन होते हैं और अमावस्या के बाद जिस प्रकार से चंद्र दर्शन जिस सुंदर निकलता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, और हमारे बहुत सारे धर्म संप्रदाय वालों ने उसका उपयोग कर लिया है। भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति का ही सनातन पद्धति कुछ कुछ भाग लेकर लोगों ने अपने धर्म के साथ जोड़ दिया है और उसको अपना अंग मान लिया है। और चंद्रमा के उसी स्वरूप को खास तौर पर भगवान शिव ने धारण किया है, तो इतना सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर लगता है, कुछ देर के लिए निकलता है। तो ऐसे में जीवन में समृद्धि कारक चंद्रमा मन का कारक, जिसमें मैंने आपको बताया। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चंद्र दर्शन करने से हिंदू मान्यताओं में विशेष तौर पर उसकी महत्व की गई है। तो ऐसे में आज कोशिश ये कीजिएगा शाम के समय जब चंद्र दर्शन दिखाई दे जाए, थोड़ा सा मुश्किल से दिखाई देंगे क्योंकि बादल हो जाते हैं, और ऐसे में श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे यहाँ चंद्र दर्शन करने की व्यवस्था बनाई गई है। और उसके बाद अपने बड़े जन अग्रजों का, खासतौर पर पिता पुत्र, खासतौर पर गुरुजन का आशीर्वाद लेने के बाद व्यवस्था बनती है। सूर्यास्त होने के ठीक बाद कुछ देर के लिए चंद्र निकलेंगे और खासतौर पर शास्त्रों के मुताबिक ऐसे में चंद्र दर्शन करने से अद्भुत रूप से लाभ की प्राप्ति के योग बन जाते हैं, बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं, समृद्धि जीवन में आ जाती है। जिन जातकों की जन्मपत्री में चंद्रमा नीच का है या खासतौर पर चंद्रमा का ऐसे में उनको खास या कुछ अशुभ योग बना रहा है या अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो ऐसे में खासतौर पर दोषों को शांति करने के लिए, मानसिक रोगों के से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और खासतौर पर भगवती महालक्ष्मी का भी संबंध चंद्रमा के साथ है। कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो महालक्ष्मी के भाई है, महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए विशेष तौर पर चंद्र दर्शन करें, उनको अर्घ समर्पित करें। कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं राशियों के संबंध में। सिंह राशि वालों का भाग्य आज कैसा रहेगा वो जान लें पहले। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम पूरे होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा, कोई बड़ा काम करने का फैसला ले सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन शुभ दिखाई देता है और अपने विचारों को काम करने के अनुसार से काम करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। 6 अंक आपके लिए शुभ है। गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले एक उपाय करें कि गणेश की वंदना करें, कल्याणकारी योग बनेंगे।
मामा करेंगी कल्याण। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए फलदायी रहता दिखाई दे रहा है। कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और घर परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नए काम में निवेश करने का विचार मन में आता दिखाई दे रहा है, परंतु सेहत किसी व्यक्ति की सेहत को लेकर थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सावधान रखें, ध्यान रखें उस बारे में। 5 अंक आपके लिए शुभ है। शुभ रंग फिरोजी रहेगा और चंदन लगाकर घर से बाहर निकले। माथे पर चंदन का छोटा सा एक टीका कई प्रकार के कष्टों से आपको आज बता सकता है। एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है हरियाणा से वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र विश्नोई जी लिखते हैं कि उनके छत पर एक कौवा आकर बैठता है। बड़ी विचित्र समस्या लिखी है उन्होंने, सबको जाननी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी घट सकती है। कौवा आकर बैठता है और कुछ बोलता नहीं है और कई दिन से वो लगातार इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं और घर परिवार के सदस्यों को घूरता सा है। कभी वे खासतौर पे कोई मरा हुआ चूहा ले आता है ऐसा दिखाई देते हैं और कभी खासतौर पे हड्डी लाकर वहीं छोड़ देता है। भगाने पर तो भाग जाता है परंतु फिर आकर बैठ जाता है। कई बार से देख रहे हैं और ऐसा हो रहा है। कुछ शंकाएं मन में उनको परेशान कर रही हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं। चिंता ना करें, हमने बड़ा विचार किया आपके प्रश्न के ऊपर और ऐसा लगता है कि आपके घर में खासतौर पर देखिए किसी ना किसी रूप में जीव के रूप में कोई पितृ अवश्य लेते हैं और इन सब के अनुभव से समझना चाहिए। किसी पितरात्मा का संबंध उस कौवे से होगा और आने वाले समय में खासतौर पे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है। देखिए अभी खासतौर पे पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो वो खासतौर पर किसी आत्मा किसी रूप में आ जाती है, उसका खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने का सबसे अच्छा उपाय शास्त्र में बताया गया है और उनका एक बार ही पिंडदान नहीं, कई बार उन्मासिक श्राद्ध शास्त्रों में करने की व्यवस्था बताई गई है और हर श्राद्ध के बाद भी श्राद्धों में भी हर वर्ष पिंडदान पितृ रूप में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने पितरों के निमित्त इस श्राद्धों में अवश्य व्यवस्था कीजिएगा, तर्पण कीजिएगा और उनके नाम पर कुछ दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ऐसे से उनको शांति प्राप्त होने के योग बन जाएंगे और जो कौवा बार बार आपको आ रहा है पितृरूप में लगता है कहीं ना कहीं ऐसा योग बन सकता है, उसको संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको निवृत्ति होगी। तुला राशि वालों आज के लिए आपका दिन कैसा है जान लीजिए। आज परिवार वालों का सहयोग आपको मिल सकता है, उनकी सलाह के अनुरूप से आपको महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भौतिक सुखों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्चा अधिक करा सकता है ऐसा योग बन रहा है, लेकिन बजट का ध्यान अवश्य आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कहीं बाहर जाना के कार्यक्रम बन सकते हैं। रोजगार को लेकर उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे। रिश्ते मजबूत करने का अवसर आपको मिल सकता है। 7 अंक आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद रंग आपको लाभ देगा। महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो कारोबार में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं, ग्रह आपको बता रहे हैं। अधूरे काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। व्यापार में खासतौर पर जो साझेदारी के काम कर रहे हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। सेहत को लेकर थोड़े कष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करें, उपाय करें, सब ठीक होगा। 9 अंक आपके लिए शुभ है। 9 नंबर इज वेरी लकी फॉर यू। लाल रंग आपको लाभ देगा। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। और आज खासतौर पे चंद्र दर्शन करने से आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों का भी उदय आपके मन में हो सकता है, क्योंकि आज खार पे दूज का चांद आज खास खुशखबरी लेके आने वाला है। चंद्र दर्शन खासतौर पे पूजा करने से, चंद्र दर्शन करने से, भगवान चंद्रमा की उपासना करने से, व्रत करने से व्यक्ति के मन में ऐसा कहा जाता है जितने भी नेगेटिव विचार हैं उन सब को शुद्ध करने में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है ये व्रत और चंद्र दर्शन। इसलिए व्रत में खासतौर पर पवित्र अनुष्ठानों में चंद्रमा को शक्तिशाली करने के लिए विभिन्न मंत्रों का जप किया जाता है। ओम शां शिं शौं से इस मंत्र का जप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन के दिन भक्तों को आध्यात्मिक विकास के लिए गंगा तट या किसी नदी के तट पर जाकर विशेष तौर पर चंद्र दर्शन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन करने से भी अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अधिक है विशेष तौर पर पूर्णिमा पर और दूज पर चांद के दर्शन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन पूजा की व्यवस्था निर्धा क्या है ये समझ लीजिए। आज के दिन शाम को चंद्र दर्शन करते हुए दशोपचार पूजन करने की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है। इसमें आवाहन, आचमन, अर्घ, स्नान, खासतौर पर रोली, चावल, तिलक समर्पित करना, पुष्प समर्पित करना, इस प्रकार से दशोपचार पूजन करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य भगवान को समर्पित करना चाहिए और भगवान को भोग के तौर पर खीर का भोग अवश्य लगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और पूजा के उपरांत उनकी गायत्री का जप भी कर सकते हैं। ओम श्रीपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है। ओम शां शिं शौं से चंद्रमसे नमः।
और ये प्रयोग कर लेने से आपके मन से जितने तनाव हैं वो गायब हो जाते हैं और रोग मुक्ति के भी अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इसको करने का प्रयास कीजिए, शाम को देखिए लाभ प्राप्त हो। अब समय हो गया है स्वप्न विज्ञान के संबंध में बात करने का। एक व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शिव कुमार शास्त्री जी ने एक मैसेज लिखा है। उन्होंने कहा कि सपने में उन्होंने मछली देखी, जानना चाहते हैं क्या संकेत है। सपने में मछली का दिखना बड़ा शुभ संकेत है, धन प्राप्ति का संकेत मिलने वाला है, ऐसा दिखाई देता है, सफलता के योग बन सकते हैं। और कोशिश ये करें आप अपने भाग्य को जगाने की महालक्ष्मी की आराधना भी कर लीजिए, भगवती गौरी के मंदिर में जाकर उन्हें सफ़ेद पुष्प भी समर्पित कर दीजिए और आपको लाभ प्राप्त होगा। एक और मैसेज आ गया है मंदसौर से हेमलता जी का। उन्होंने सपने में गाय के बछड़े को देखा और जानना चाहती है क्या संकेत है ये। सपने में गाय के बछड़े को देखना अति शुभ है। गौवत्स का दर्शन होना समृद्धि प्रतीक माना जाता है और खास तौर पे जीवन में अद्भुत योग बनता है। और आप सोने पे सुहागा चाहती है तो दूध का दान कर दीजिए, किसी गौशाला में जाकर गौवत्स को हरा चारा खिला दीजिए, उससे आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे, शुभ संकेत जरूर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राशि के संबंध में। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? आज का दिन आपके लिए उत्तम दिखाई देता है, घर परिवार में शुभ संकेत मिलने के योग बन रहे हैं, आपकी रचनात्मक प्रशंसा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, यात्रा के संकेत भी आज के ग्रह योग दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी का। शुभ अंक आपके लिए जो है वो है 6। शुभ रंग आपके लिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रंग की जो है खासतौर पर शुभ रहेगा। आटे की लोई बनाकर उसमें तेल खासतौर पर तिल मिला लीजिए और गाय काली गाय यदि मिल जाए उसको खिला दीजिए, उन्नति के अद्भुत योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कारोबार की दृष्टि से आज का दिन अच्छा दिखाई देता है, माता पिता का बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और कोई खास काम पूरा होगा, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। आज उधार देने से बचने का प्रयास कीजिए और खासतौर पर खरीदारी का संकेत भी आज मिल रहा है और सेहत में थोड़ा आज कष्टकारी योग बन सकता है, इसलिए थोड़ा बचाव रखने का प्रयास करें, निगेटिव विचारों से दूरी बनाए रखें। 6 अंक आपके लिए शुभ है, गुलाबी रंग आपको लाभ देगा, कनेर का एक पुष्प भगवान शिव को अर्पित कीजिए, बहुत मनोकामना पूर्ण होगी। मामले करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा मिश्रित सा फलदायी रहता दिखाई दे रहा है, कर्म के अनुसार से आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए कर्म पर बल देने की आवश्यकता है। आलस्य मत रहिए, कर्म लगातार कीजिएगा, आज जो भी कार्य करेंगे उस पर आपको उतना ही लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। और बातचीत के दौरान विशेष तौर पर सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा, विचार आपको परेशानी में डालता दिखाई दे रहा है, इसलिए विचार देते वक्त थोड़ा सावधानी रखें। अंक आपके लिए 4 शुभ है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी है और आज शाम के समय दक्षिण की दिशा में एक दीपक जला दीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अंत में मीन राशि के संबंध में जान लेते हैं आज का दिन कैसा है आपके लिए। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तब आपको लाभ प्राप्त होगा, विवादों से दूर रहने का प्रयास करें और खासतौर पर व्यवहार में आए व्यय पूरा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, निवेश करने से बचने का प्रयास करें, व्यवहार कुशलता करेंगे तो अच्छे लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी आपका सहयोग करेगा। जो अंक आपके लिए है शुभ वो है 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है और उपाय के तौर पर एक कल्याणकारी उपाय आपको बताते हैं, देवी दुर्गा की उपासना करें, उनको खासतौर पर हलवे का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग करें। अंत में चलते थे बात कर लेते हैं हेल्दी टिप के बारे में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेंधा नमक। सेंधा खासतौर पर नमक जो है वो भारतीय संस्कृति की अद्भुत शोध है और पाश्चात्य लोगों ने जबरदस्ती इसको बदलकर आजकल विचित्र प्रकार के नमक आपको लाके दे दिए हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सबसे शुभ माना जाता है, इसके अंदर नेचुरल वे में मिनरल्स भरपूर रूप से विद्यमान होते हैं और कहा जाता है सेंधा नमक में 65 प्रकार के विभिन्न जो खनिज हैं जो खासतौर पर प्राप्त होते हैं उसके अंदर 65 प्रकार के विभिन्न खनिज मिनरल्स जो है उसके अंदर नेचुरल वे में विद्यमान होते हैं। देखिए कितनी सुंदर चीज़, वजन को कंट्रोल करने के लिए, आपकी सेहत में जब अनमनापन है उल्टी इत्यादि समस्या को ठीक करने में राहत देता है, शरीर के टॉक्सिन्स को नेचुरल वे में बाहर निकालता है, पाचन करने के लिए अद्भुत। काला नमक तो आपको याद ही होगा, अमरूद इत्यादि खाते वक्त काला नमक डालने का नियम बहुत बचपन से आपने सुना होगा, पाचन ठीक करने के लिए, अमरूद पचता नहीं इसलिए उसमें काला नमक लगाने का, वो भी एक तरह से सेंधाई नमक है। और उसके बाद सेंधा नमक का नाम खासतौर पे जो है नमक जो है वो कैल्शियम से युक्त भी होता है, उसमें केमिकल से मुक्त होता है और उसमें नेचुरल में कैल्शियम भी विद्यमान होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करता है, दिल के दौरे की संभावना को कम करने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ब्लड प्रेशर में खासतौर पर कंट्रोल करने में इसका बहुत अद्भुत रूप से योग माना जाता है।
तो इस प्रकार से सेंधा नमक का इस्तेमाल आप किसी न किसी रूप से करने का प्रयास कीजिए, वो आपको लाभ ही देगा। तो अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपके समक्ष कल हर तिला तीज है। क्या कुछ उपाय करने से कैसे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं, जो लड़कियां चाहती हैं मनचाहा वर प्राप्त हो, वो उपाय कल का दिन है। कल सुबह सुबह हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसी समय पर इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम श्रीपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्।